हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी सुबह के बज गए हैं 5 और मैं उठी हूँ 3 बजे से। अब जा रही हूँ मैं मम्मी के साथ में गाँव। उनके बच्चे लोग अभी मेरे को विदा कर रहे हैं। रेडी हो चुकी हूँ पूरी तरह से। अब मैं जा रही हूँ पूरे पता नहीं कितने साल बाद जा रही हूँ, बाद में काउंट करके बताऊँगी आप लोगों को। चलिए चलते हैं गाँव। हाँ, 28 ईयर्स बाद में जा रही हूँ मैं, 28 साल बाद जा रही हूँ मम्मी के गाँव। मेरे हीरो, मेरी याद आएगी, कॉल करूँगी मैं, वीडियो कॉल करूँगी। छुपो छुपो, कितना छुपोगे? छुपे रहो। मैं चुपके चुप चुपके चोरी से चोरी नहीं कट करूंगी। क्या कर लोगे? हाँ, ये आदमी मेरे से कल से झगड़ा कर रहे हैं और अभी सुबह उठ के खुद ही रेडी हो गए हैं। बाय बाय अजय, बाय 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 मेरे बच्चों, बाय मेरे बच्चों, मेरे हीरो लोग, बाय बाय। ऐसे करेगी तो मैं कैसे जाऊंगी? नहीं मन करेगा फिर जाने का डॉली। तो गणपति बापा और माता रानी के दर्शन कर लीजिए सभी लोग। तो अभी मैं निकल चुकी हूँ घर से जाने के लिए। ये तो नहीं जाने वाले थे मुझे छोड़ने के लिए, इन्होंने 2-3 दिन पहले से ही बोल दिया था मैं जाने वाला नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों खुद ही रेडी हो गए और अभी स्टेशन पे पहुँच गए हम लोग। तो कैसे देख रहे हैं मुझे, बहुत अजीब सा लग रहा है। हेलो गाइस, हेलो गाइस, कैसे गाइस? ठीक तो स्टेशन पे थोड़ी देर वेट करने के बाद में ट्रेन आ गई जिसमें मम्मी पापा पहले से बैठे हुए थे, तो अजय मुझे छोड़ के चले गए। गुड़िया बेचारी बोझा ढो रही है, सबसे ज्यादा सामान गुड़िया ली है। मेरा काम बहुत बड़ा है गाइस, मैंने ये पकड़ा है गाइस, इतना सामान ला रहे हैं, मैं इतना सारा लेके जा रही हूँ गाइस। हम लोग बेटी स्टेशन इतने जल्दी पहुंच गए हैं कि हम लोगों को वेट करना पड़ रहा है, वेटिंग रूम भी नहीं मिला। हम लोग घूम तो लिया पर सुनील जा नहीं दे रहा। सुनील बहुत खुश है, बोल रहा है कि तुम लोग जाके एसी में आराम करोगे और मैं बाहर खड़ा रहूंगा क्या? बोझा ढोने के लिए गुड़िया को लाए गाइस, तो बोझा ढोएंगे गाइस। चलो गाइस, तो अभी हम लोग प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं क्योंकि हमारी ट्रेन भी आने वाली है, इसलिए हम लोग जल्दी ले आ गए हैं। लेकिन एक जन हमारे साथ में थे जिनका टिकट कंफर्म नहीं था, तो मम्मी उनको बोल रही थी कि अभी यहाँ पे सबको बना के दे रहा, तो तुम भी बनवा लो साथ में। तो अभी बहुत ठंडा लग रहा है, मुझे बहुत नींद आ रही है सोने के लिए, मम्मी भी अभी सोना चाहिए। तो अभी ट्रेन में हम लोग बैठ गए हैं, लेकिन मुझे तो, मैं 3 बजे रात से उठी थी
खाने की तैयारी करने के लिए, जिसकी वजह से मुझे बहुत नींद आ रही थी। तो मैंने सबसे पहले मम्मी को बोला मैं जा रही हूँ सोने के लिए। रीता वगैरह सब लोग बैठे हुए थे, बोले मुझे तो नींद आ रही है, मुझे सोना आ रही है। आंटी ने मुझे बहुत परेशान किया इन्होंने, हमारे सीट पे हमारे बगल में इनकी सीट थी तो ये बहुत तंग कर रही थी, यहाँ मत बैठो यहाँ मत करो। मैंने उनको एक बार चिल्लाया पर मेरी गलती भी हो गई, मैंने चिल्ला दिया। तो अब हमने कौन सा स्टेशन क्रॉस किया है, उन्नाव जंक्शन आ चुका है, ट्रेन चल पड़ी है। तो गाइस अभी सो के उठे हैं गाइस, ब्लॉग बनना अच्छा शुरू हो गया गाइस। गर्मी के मौसम में वहाँ पे भी उजाला हो जाता है, गांव में देखो 4:30 एकदम। तो गाइस सुबह हो गई है गाइस, उठ गए गाइस, पानी नहीं है गाइस। पानी भरवा रहे गाइस, पर बार बार जा रहे गाइस, हम लोग थक गए गाइस, ये थका नहीं है गाइस, सुन सुनिए हमारी बातें। पूरा पंप खराब हो गया है, कुछ तो खराब होगा बेचारा, भर तो रहा है पानी, बह जा रहा तो क्या करें, पूरा पंप खराब हो गया क्या करें, मम्मी यहाँ बैठ के हिल रही है गाइस, चाय पी रही है, दीदी यहाँ पे डांस कर रही है गाइस, चाय बकवास बनाए गाइस, चाय पी लो, चाय आ गई है गाइस। मम्मी मेरे पर्स में रखा है अदरक, अरे चाय और हो जाए, चाय चाय रखा, अदरक रखा है पर्स में। एकदम करेक्ट टाइम पे चल रही थी ट्रेन, डस्टबिन गाइस, तुम खड़ी हो गाइस तो फेंकना पड़ेगा गाइस। बहुत ही टाइम पे ट्रेन चल रही है, 8:25 की थी तो 8:25 पे ही छूटी है, और सुबह में 7 बजे तक हम लोगों को लाके लखनऊ पहुंचा दिया था। और इतने सुंदर सुंदर नज़ारे थे, मैं तो सो गई थी क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया मुझे बहुत नींद आ रही थी, लेकिन रीता और गुड़िया ने आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाए हैं, बहुत सारे अच्छे नज़ारे दिख रहे थे, अच्छे व्यूज़ दिख रहे थे, तो उन्होंने बोला चलो ये सो रही है कोई बात नहीं हम लोग बना लेते हैं। ये चाय वाले समोसे वाले सब बार बार आ रहे थे जा रहे थे, हम लोगों को बहुत परेशान कर रहे थे, इसलिए हम लोग भी उन लोगों को बहुत परेशान कर रहे थे। अभी तो मैं यहाँ पर नहीं थी, गुड़िया और रीता ने उन लोगों को परेशान किया। बहुत ही अच्छा लग रहा था मम्मी पापा के साथ में, अच्छे से नाचते गाते हंसते खेलते गाँव जा रहे हैं। अंकल चाय पी रहे गाइस, झगड़ा शुरू हो गया गाइस, सीट पे 3 जन बैठे हैं गाइस और लड़ाई कर रहे हैं गाइस, अरे मैं उधर पैर रख के बाहर पैर रख के सो रही थी, मेरा पैर इधर डाल पार्टी वहां पे, इधर बैग था ना चारों तरफ ऊपर नीचे, मेरा सीट खाली था क्या रात को, नहीं पापा सोए थे, पापा सोए बाद में सोए, हां लेते सुबह सोए चले, तो सूरज तो इधर से क्यों निकल गया, ए हां बराबर है बराबर है, तो अभी वीडियो बहुत अलग एंगल में बनाया है गुड़िया ने, उसको समझ में नहीं आ रहा था, तो आप लोग प्लीज़ इसको माइंड मत करना, ऐसे अपना कैमरा थोड़ा अपना फ़ोन थोड़ा उल्टा करके देख लेना, क्योंकि हम लोग थोड़े अतरंगी लोग हैं, कैसे भी बना देते हैं। मेरा एक ही सबसे बड़ा टेंशन है, जब मैं गांव जाती हूँ ना तो मुझे सूरज वेस्ट में निकलता हुआ दिखता है और ईस्ट में जाके डूबता है, ये मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, बार बार सबको पूछती रहती हूँ ऐसा क्यों हो रहा है, सभी लोग मुझे बोलते हैं तू ही पागल है, तुझे समझ में नहीं आता है, क्योंकि होता तो वही है, ईस्ट में ही निकलता है और वेस्ट में जाके डूबता है, पर पता नहीं मुझे उल्टा क्यों दिखता है, आज तक मुझे समझ में नहीं आया। यहाँ पर भी देखो कुछ तो बातें हो रही हैं, गप्पे मार रहे हैं, रात को सोई थी, रात को सोई थी, पुलिस वाले लोग आए, ठोक रहे थे ठक ठक, मोबाइल से, हाँ मोबाइल से भेज रहे थे, ढूंढ रहे थे कि कहाँ मिल जाए, ढूंढ रहे थे जगह कहाँ मिले सोने के लिए। रात को हम लोग सो गए थे, मैं तो मोबाइल वगैरह अपना बाहर ही रख के सो गई थी, पुलिस वाले लोग आए, उन्होंने बोला कि आपका फ़ोन बाहर ही पड़ा हुआ है, और पर्स भी मैंने ऐसे ही रख दिया था, तो वो लोग बोल रहे थे अपना सामान ठीक से रख लो नहीं तो बाद में कुछ हो जाएगा, तो हम लोगों को ही आप लोग बराबर चिल्लाते रहते हो। आने की तैयारियों में इतनी बिजी थी कि मैं 2 रात सो नहीं पाई, जिसकी वजह से यहाँ पे आने के बाद में तो मैं दिन भर सोती ही रह गई,
कुछ बना नहीं सकी, पर सुबह में उठी तो सूरज बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए बना लेती हूँ। ये भी वीडियो बहुत लंबी हो रही थी तो इसको भी मैंने एक दो पार्ट में बना दिया है, तो अभी इसका फर्स्ट पार्ट है। प्लीज़ आप लोग इन्जॉय कीजिए, मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं बाद में।